गैस रिफिलिंग अब अंजाल चकेरी की जनता के लिए अभिशाप। लॉकडाउन के दौरान भी धड़ल्ले से जारी है अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार। जी हाँ, आपको बताते चले, कानपुर के कई रिहायशी इलाकों में गैस रिफिलिंग का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। चकेरी क्षेत्र के छबीले पूर्वा में गैस रिफिलिंग की वजह से हर वक्त स्थिति विस्फोटक बनी रहती है। गरीब जनता में गैस रिफिलिंग से हादसा होने का डर बना रहता है, जिसका एक मामला कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र के छबीले पूर्वा इलाके में भी देखने को मिला, जहां पर घनी आबादी वाले इलाके में बदस्तूर गैस रिफिलिंग व ब्लैक में बेचने का कारोबार लॉकडाउन के दौरान भी लगातार जारी है। काली शंकर व सीबू द्वारा किया जा रहा है गैस रिफिलिंग का कारोबार। आने जाने वाले राहगीरों का मानना है कि गैस रिफिलिंग से बड़ा हादसा होने का डर हर वक्त बना रहता है। कभी गैस लीक होती है तो कभी रिफिलिंग के दौरान आग लग जाती है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को जानमाल का हर वक्त खतरा बना रहता है, जिस वजह से जिले में अभी तक कई ऐसे मामले सामने आए। या तो लोगों की जान चली गई या लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उसके बाद भी छबीले पूर्वा में काली शंकर व शिबू नाम के दुकानदारों का गैस रिफिलिंग का कारोबार बदस्तूर जारी है। सूत्रों की माने तो कई बार क्षेत्रीय पुलिस से शिकायत भी की गई, हमेशा की तरह कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। इस अवैध गैस रिफिलिंग की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भविष्य में कभी भी अगर बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, काली शंकर या फिर सीबू या संबंधित अधिकारी? ब्यूरो रिपोर्ट, आरटीआई न्यूज 24। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।